वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के कुछ अमेजिंग अपडेट्स के बारे में, जिनमें से कुछ अपडेट ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है बिना स्किप किए। खरे साथ हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग वर्ल्ड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, और वीडियो पसंद आए वीडियो को यस लाइक जरूर कर देना। बात कर लेते हैं अपडेट्स की। पहला अपडेट जो है वो है कि अब आप किसी भी ग्रुप को साइलेंटली लीव कर सकते हो। सिर्फ एक नोटिफिकेशन जाएगा, वो भी एडमिन को, कि इस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट ने, इस पर्टिकुलर बंदे ने ग्रुप एग्जिट किया है, बाकी किसी को कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। आप ग्रुप लीव करना चाहते हो तो लीव कर सकते हो। सेकंड अपडेट की बात कर लेते हैं। सेकंड अपडेट जो है उसमें अब हम मैक्सिमम 512 लोगों तक ज्वाइन करा सकते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में। अभी करंटली हम 256 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं एक ग्रुप, लेकिन अब और लार्ज ग्रुप साइज होने की बात हो रही है। व्हाट्सएप इस पे काम कर रहे हैं कि आप और ज्यादा ऑडियंस को ज्वाइन करा सकते हैं ग्रुप, अब जिसकी लिमिट बढ़ के 512 तक हो जाएगी। तीसरा अपडेट, मोर इमोजी रिएक्शंस। यस, अब व्हाट्सएप पे अभी जो करंट है वो हम 6 रिएक्शंस दे सकते हैं किसी पर्टिकुलर पे टैप करके मैसेज पे, एंड 6 इमोजीज का रिएक्शन है अभी वहां पे बाय डिफॉल्ट। अब ये बढ़ा के जितने भी इमोजीज हैं हम कोई भी रिएक्ट कर सकते हैं उन इमोजीज में से चूज करके, जैसे हम इंस्टाग्राम पर करते हैं, ऐसे ही व्हाट्सएप पे भी ये रिएक्शन का अपडेट आने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो कम्युनिटी का। यस, व्हाट्सएप पे मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं इस पे कम्युनिटी फीचर्स के बारे में, एंड इस पे व्हाट्सएप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हो सकता है 1-2 वीक में ये ऑप्शन आ जाएगा, अब हम व्हाट्सएप पे भी कम्युनिटी बना सकते हैं। एंड ये कहना था कि जब व्हाट्सएप पे हम ग्रुप बना सकते हैं तो कम्युनिटी की क्या जरूरत है, लेकिन हाँ कम्युनिटी की जरूरत है। व्हाट्सएप ने कुछ अलग से तरीके से डिफाइन किया है कि जो एनजीओज हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा, यानी कि आप ग्रुप्स को भी ज्वाइन करा सकते हो। वहां पे 2-3 ग्रुप है एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें आप एक पूरी कम्युनिटी बना सकते हो, उन ग्रुप्स को भी ऐड करा सकते हो वहां पे। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो है एडमिन कैन डिलीट एनी मैसेज फ्रॉम द ग्रुप। यस, एडमिन के पास पहले पावर नहीं थी, लेकिन अब यह पावर आ चुकी है एडमिन के पास। एडमिन ग्रुप में से किसी भी मैसेज को डिलीट कर सकता है, कभी के भी मैसेज को डिलीट कर सकता है। मुझे अपडेट काफी अच्छा लगा, आपको अपडेट कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो है चैट फिल्टर्स का। यस, हम बहुत सारी चैट कर लेते हैं एंड हम स्क्रॉल करते रहते हैं, किसी की चैट ढूंढनी है, स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें हम फिल्टर लगा सकते हैं। एंड उन फिल्टर में पहला जो फिल्टर होगा वो होगा कि हमारे कॉन्टेक्ट की चैट हम देखना चाहते हैं, जो हमारे कॉन्टेक्ट हैं, नॉन कॉन्टेक्ट की हम चैट देखना चाहते हैं, हम सिर्फ ग्रुप्स की चैट देखना चाहते हैं, या फिर हम अनरीड चैट्स देखना चाहते हैं, सारे वहां पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप फिल्टर लगा सकते हो, जो भी चैट आपको ढूंढनी है क्विक और एक चुटकी में आप वो चैट ढूंढ सकते हो। ये अपडेट मुझे काफी अच्छा लगा, आपको अपडेट कैसा लगा मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो है वॉइस कॉल से रिलेटेड। अब हम वॉइस कॉल में अप टू 32 पार्टिसिपेंट्स को ज्वाइन करा सकते हैं। अभी जो करंटली है हम सिर्फ 8 लोगों को वॉइस कॉल पे ले सकते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन ये बढ़ के लिमिट जो हो गई है वो है 32। ये आने वाला है, कुछ लोगों को बीटा वर्जन में मिल गया है ये वाला अपडेट, एंड कुछ लोगों को नहीं मिला है। जिनको नहीं मिला उनको जल्दी से मिल जाएगा, मुझे भी नहीं मिला है तो मैं भी वेट कर रहा हूं। हम अप टू 32 लोगों को एक कॉन्फ्रेंस पे ले सकते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में। ये भी अपडेट काफी अमेजिंग था। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो है कंपेनियन मेड फॉर मल्टी डिवाइस सपोर्ट। यस, अब हम एक अपनी पर्टिकुलर फोन का, जिससे हम लोग मल्टी डिवाइस कर सकते हैं, जैसे अभी हम डेस्कटॉप पे अपना चलाते हैं पूरा डेटा, तो अब एक कंपेनियन डिवाइस भी बना सकते हैं कि अगर हमारे पास ये डिवाइस नहीं है तो हम दूसरे डिवाइस से सारी चीजें डिलीट कर सकते हैं और सारी चीजें सिंक कर सकते हैं। ये अपडेट ओके लगा, क्योंकि मैं अपना जो व्हाट्सएप है वो मल्टी डिवाइस नहीं यूज करता। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में भी लिख के बता सकते हो। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, वो है पोल क्रिएशन। यस, अब हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी पोल क्रिएट कर सकते हैं, अप टू 12 ऑप्शन हमें वहां पे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पे भी आप ग्रुप में पूछ सकते हो किसी से भी किसी चीज के रिलेटेड कि भाई हमें मूवी चलना है, येस और नो, ऐसे कुछ करके पोस्ट बना सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम पे तो ऑलरेडी है। एंड आप इसमें देखोगे कि जैसे इंस्टाग्राम पे मोस्टली जो चीजें हैं वो भी व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, क्योंकि एक ही कंपनी ओन करते हैं मेटा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबको, तो सारी सिमिलर सी एप्लीकेशंस हो जाएंगी ये। एंड ये अपडेट भी मुझे काफी ठीक लगा कि हम क्रिएट कर सकते हैं पोल व्हाट्सएप ग्रुप्स में बस। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो है क्विक रिएक्शन ऑन स्टेटस। इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी है कि हम इंस्टाग्राम पे क्विक रिएक्ट कर देते हैं किसी भी मैसेज पे, लेकिन व्हाट्सएप पे भी आने वाला है कि किसी का हमने स्टेटस देखा है, वहां पे हम लाइक करना चाहे, हार्ट भेजना चाहे, या फिर तालियां बजाना चाहे, कुछ भी हम क्विक रिएक्ट कर सकते हैं। हमें वहां पे मैसेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रिएक्शन दे सकते हैं हम किसी भी स्टेटस पे।
ये अपडेट मुझे काफी अच्छा लगा, मुझे किसी को मैसेज लिख के अच्छी चीजें नहीं बोलनी पड़ेंगी, मैं अपने इमोशंस रिएक्ट कर सकता हूँ इमोजीज के थ्रू। एंड आपको ये अपडेट कैसा लगा इसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, वो है मोर डिलीटिंग टाइम। यस, अब हम जो सेंट मैसेज पे हम लोग टाइम पे डिलीट कर लेते हैं, जैसे किसी को हमने मैसेज भेजा उसने देखा नहीं है तो विद इन 1 hour 8 minutes and 16 seconds तक हम उसे डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम एवरीवन। अब व्हाट्सएप इस पे भी काम कर रहा है कि जल्दी से इसके लिमिट को बढ़ा सकता है, मे बी ये लिमिट 24 आवर्स से 2 दिन तक हो सकते हैं कि हम वो मैसेज को डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम एवरीवन। Yes, इस पे भी काफी अच्छे से काम चल रहा है एंड बहुत सकता है बहुत जल्दी अपडेट आ जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है प्रोफाइल फोटो एंड मैसेज नोटिफिकेशन। यस, जो मैसेज में नोटिफिकेशन आती है वहां पे भी हमें प्रोफाइल पिक्चर दिख जाएगी एंड ये अपडेट बहुत से लोगों को मिल चुका है, जो लोग बीटा यूज कर रहे हैं, जो लोग नहीं यूज कर रहे हैं उनको ये ऑप्शन बहुत जल्दी से मिल जाएगा कि आप जब भी किसी का नोटिफिकेशन आएगा व्हाट्सएप पे उसके फोटो के साथ वो आ जाएगा हमारी नोटिफिकेशन बार पे। नेक्स्ट अपडेट है इंस्टाग्राम रील्स ऑन व्हाट्सएप। ये मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा लेकिन WhatsApp इसके लिए एक अलग से ग्रिड बना रहा है कि WhatsApp पे भी आप Instagram रील्स को स्क्रॉल कर सकते हो। इसमें टाइम लगेगा इस अपडेट को आने में लेकिन WhatsApp इस पे काम कर रहा है कि आप Instagram की रील्स को WhatsApp पे भी स्क्रॉल कर सकते हो, WhatsApp पे भी देख सकते हो। मुझे अपडेट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट की, वो है रीड लेटर। यस, अगर आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज को नहीं पढ़ना चाहते हो ना आप चाहते हो मिस ना हो जाए, सारी चैट्स आती रहती हैं, तो आप किसी भी पर्टिकुलर मैसेज को सिलेक्ट करके उसे आर्काइव कर सकते हो रीड लेटर में। एक होता आर्काइव करते हैं हम चैट को वो वापस से छुप जाती है, लेकिन एक रीड लेटर का भी वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा, इस तरह आप उसे बाद में पढ़ सकते हो, आपको नोटिफिकेशन सामने दिखता रहेगा लेकिन आप बाद में उसे पढ़ सकते हो। बहुत अच्छे से अपडेट्स हैं कुछ, बस रील वाला मुझे नहीं लगा अच्छा। आपको कौन सा अपडेट इनमें से अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। बाकी और भी कोई अपडेट आते हैं मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, और आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा मुझे बता देना। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इफ यस गिव इट अ थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।